जय श्रीमन्नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करें जा रहे बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय चार, राज विद्या राज गुहम योग, श्लोक चार। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि नचाहं तेष्ववस्थितः। गीता चार, श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सब के राज विद्या राज घूम योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कहत पाड़न की अर्जुन, हम ई दुनिया में मौजूद बानी, हम अंतर्यामी आ निवासी के रूप में मौजूद बानी। अंतर्यामी के मतलब होला ऐसा रूप जौन केहू के ना लौके। ई तरह से केहू खातिर हम अदृश्य सब में अंतर्यामी के रूप में पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त बनी। हे अर्जुन, हम सब प्राणी और सब भौतिक वस्तु के आधार हैं। ई सब प्राणी हमरा पर आश्रित बा, लेकिन हम केहू पर निर्भर नहीं के। ई तरह से श्री कृष्ण परमात्मा साफ साफ बता रहे बाड़न कि हमनी के सब केहू उनका पर निर्भर बनी जा और उनका समर्थन के चलते ही हमनी के सब जीवित बनी जा। आई ओ तथ्य और सत्य के बार बार याद करी जा, हमनी के खाली श्री कृष्ण परमात्मा आश्रीमन नारायण के शरण लेवे के कोशिश करी जा, जे हमनी के एकमात्र सहारा हवे। श्री कृष्ण परमात्मा के समर्पण करके अपन जीवन सार्थक बनावे के कोशिश करत घरी श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के ठीक और सही दोहरावे की कोशिश करी जा। जय सनबा। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। श्रीमद्भगवद्गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर देले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के अपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग का दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सब की कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन्नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद भगवत गीता के वितरण करके हम सब के कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गए लू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के
उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन्नारायण, हम उई करम जौन तू करई का कहब, हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन्नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन्नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन्नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वं श्रीकृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन्नारायण। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नचाहं तेष्ववस्थितः। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नचाहं तेष्ववस्थितः। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई जो www.narayanashram.org है और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिलके नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐश्करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन्नारायण।